श्री गुरुदेव। ये भारतीय परम पवित्र भूमि, ये महान साधु संतों की पवित्र भूमि है। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति ऐसे विभिन्न मार्गों से मानव जाति के जीवन को उन्नत और समृद्ध करने का प्रयत्न अनेक साधु संतों ने किया। यही महान धरोहर आगे ले जाने का कार्य परम वंदनीय जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज कर रहे हैं। जनकल्याण के लिए अवतरित हुए जगतगुरु रामानंदाचार्य की महान परंपरा से जगतगुरु रामानंदाचार्य के उत्तराधिकारी के तौर पर 21 अक्टूबर 2005 को अखिल भारतीय षड दर्शन अखाड़ा परिषद ने अयोध्या में श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज का पट्टाभिषेक कर उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य के पद से विभूषित किया। जगतगुरु के पद पर पति को आज हमारे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुआ संत मंडल आज उनको जगतगुरु की पदवी सौंप दिया। अब तो महाराष्ट्र की धरती में ही नहीं पूरे विश्व में जगतगुरु का प्रचार करिए। जगतगुरु के रूप में परिणित हो चुके, अब आप अपने धर्म का विजय ध्वजा फहराइए। आज सारा संत मंडल, सारा संत समुदाय आज यहाँ पर नरेंद्र स्वामी जी को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर चुका। बोलो श्री जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की। और श्री क्षेत्र नाणिज धाम यह अखिल वैष्णव पंथियों का दक्षिण का प्रमुख पीठ बना। जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज अध्यात्म, विज्ञान और व्यवहार इन त्रिसूत्रों के समन्वय का सीधा सरल तत्वज्ञान अपने सभी भक्तों को देते हुए उन्हें तुम जियो, दूसरों को जीवन दो इस दिव्य संदेश के अनुसार दुखी पीड़ितों के कल्याण हेतु जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान द्वारा अखंडता से चलाए जा रहे उपक्रमों का एक संक्षिप्त ब्यौरा। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज पहले प्रतिवर्ष करीब 150 जिलों को स्वयं भेंट देकर अपने बोधप्रद प्रवचनों के माध्यम से धर्म और संस्कृति का जतन करते हुए समाज को योग्य दिशा देते एवं संगठित करने का कार्य करते रहे। देशभर के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में जगतगुरु श्री का संप्रदाय फैला हुआ है। यही कार्य अब जगतगुरु श्री के पादुका दर्शन समारोह द्वारा किया जाता है। कनाडा की राजधानी टोरंटो के संसद भवन में जगतगुरु श्री के मानवतावादी कार्यों का गौरव किया गया। Well, thank you very much, Speaker. Speaker, I have the very special honor to welcome for his first visit to the Ontario Legislature, His Holiness Jagadguru Ramanandacharya Sri Swami Narendracharya Maharaj, the esteemed Dharma Guru of the Hindus, who is visiting us from the legislature today. And it is a matter of honor for this legislature, Swamiji, to welcome you. Yeh's legislature ka sabhagya hai ke apke darshan hue. Please join us in welcoming. Dharma Rakshan एवं संस्थापना हेतु सदैव कार्यरत रहने वाले जगतगुरु श्री ने घर वापसी उपक्रम के माध्यम से 1.5 लाख धर्मांतरित परिवारों को पुनः धर्म प्रवेश देकर उन्हें स्वधर्म में स्वाभिमान से जीने का बल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वधर्म प्रवेश के साथ इन परिवारों की रोटी बेटी के व्यवहार भी सुगमता से आरंभ कर इन सभी के जीवन को स्थिरता प्रदान की। हिंदू धर्म संस्कृति का मान बिंदु माने जाने वाले कुंभ मेले में भी इस संप्रदाय के सेवा कार्य हमेशा उल्लेखनीय रहे। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले के आयोजन में गोदावरी के किनारों की स्वच्छता, अन्न छत्र, रुग्ण सेवा ऐसे विभिन्न धर्म कार्यों एवं सेवा कार्यों में जगतगुरु श्री के भक्त अग्रणी होते हैं। जनवरी 2019 में प्रयाग में संपन्न हुए कुंभ मेले में भी संप्रदाय की रुग्ण सेवा उल्लेखनीय थी।
संस्थान की रुग्णवाहिकाएं भक्तों की सहायता के लिए दिन रात उपलब्ध थी। इसी प्रकार संस्थान की अस्पताल सेवा का भी 40,000 से अधिक भक्तों ने लाभ लिया। इस कुंभ मेले में भी समस्त प्रयागराज श्री क्षेत्र पवित्र एवं स्वच्छ रखने का कार्य जगतगुरु श्री के भक्त, शिष्य तथा सेवकों ने किया। संप्रदाय के इस कार्य और अनुशासन की प्रशंसा उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुंभ में उपस्थित साधु संत एवं भक्तों ने की। मैं जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि वो इस तरह के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्वच्छ भारत मिशन। और उसी मिशन के तहत ये लगातार यहाँ हम साफ सफाई अपनी देख पा रहे हैं। तो जितने लोग भी इस स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, सबकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और न केवल मैं, बल्कि दो दिन पहले यहाँ पर जब प्रवासी भारतीय आए, उनके द्वारा भी इसी बात का उल्लेख किया गया कि इस तरह की अभूतपूर्व जो स्वच्छता या साफ सफाई की चीज़ें, इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी हैं। तो जितने लोगों से मुझे ये सहयोग प्राप्त हो रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बाढ़, अकाल, भूकंप जैसी नैसर्गिक आपत्तियों के कठिन प्रसंगों में जगतगुरु श्री तथा उनके लाखों अनुयायी सदैव सहायता के लिए अग्रसर रहते हैं। अब तक अनेक आपात स्थितियों में जगतगुरु श्री के अनुयायी औषधियां, अनाज, कपड़ा और जीवन उपयोगी साहित्य लेकर अनेक स्थानों पर सहायता के लिए उपस्थित रहे। मी जयंत रमेश चव्हाण, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रत्नागिरी। जगतगुरु श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान नानीज यांच्या प्रेरणेने व आशीर्वादाने 12 वर्षापूर्वी त्यांनी एक उपक्रम सुरू केला होता की राष्ट्रीय महामार्ग जे आहेत मेजर, त्यावर जे अपघात होतात, त्या अपघातात ज्या लोकांचे प्राण जातात त्यांना वेळीच त्यांना तिथं ते मदत उपलब्ध होत नाही, अशा ठिकाणी त्यांनी मोफत ॲम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे। जवळपास 27 ॲम्ब्युलन्स जे आहेत त्याद्वारे मोफत ते सेवा ते त्यांच्याद्वारे पुरवली जाते। 10 ॲम्ब्युलन्सची त्यात अजूनही अजून वाढ होणार आहे। तरी अशा त्यांनी ज्या मोफत सेवा ज्या पुरवलेल्या आहेत त्या बऱ्याच आपत्कालीन परिस्थितीत सुद्धा त्यांच्या ॲम्ब्युलन्सद्वारे सेवा देण्यात येते। ज्या पद्धतीने मागे चिपळूण या ठिकाणी जो महापूर आला, त्या महापुरात लोकांना वाचवण्यासाठी त्यांचं एक महत्त्वपूर्ण योगदान संस्थेने दिलेलं आहे। आतापर्यंत जवळपास संस्थेने जे काय ॲक्सिडेंट होतात, जो काही गोल्डन आवर असतो, त्यात त्यांनी अशा सुविधा देऊन जवळपास 17,000 लोकांचे प्राण त्यांनी आत्तापर्यंत वाचवलेले आहेत। अशा पद्धतीने त्यांनी जी ते सेवा देत आहेत ते अशा पद्धतीने सेवा ती पुढे त्यांनी चालू ठेवावी, याबद्दल उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय रत्नागिरी यांच्यातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। इतनाही नाही, वे इस आपातकालीन स्थिति के पश्चात उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिस्थिति और उसके कारण निर्माण होने वाली बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन कर समाज के स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। किसानों की सहायता के लिए यह संस्थान सदैव तत्पर रहा है। सूखा, अकाल, फसलों का नुकसान, कर्ज, इन जैसी आपत्तियों से त्रस्त गरीब किसानों एवं आत्महत्या कर चुके किसानों के निराधार परिवारों को अपेक्षाकृत सहायता कर उन्हें जीने का बल दिया। माझ्या पतीने विष पिऊन आत्महत्या केलेले आहेत। 2 महिने दिवस झाले, माझा एक मुलगा आहे। अकालग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के जानवर भी जी पाए इस भावना से हजारों टन चारा बिना मूल्य वितरित किया गया। अकालग्रस्तों की मुख्यमंत्री सहायता निधि में पर्याप्त आर्थिक सहायता की गई। इतना ही नहीं, किसान नैसर्गिक आपत्तियों के तथा कर्ज के कारण आत्महत्या का मार्ग न अपनाएं, इस उद्देश्य से जरूरतमंद किसानों को समय समय पर कृषि उपयोगी साहित्य तथा साथ ही व्यवसाय के उद्देश्य से दुधारू गायें, भैंसे, बकरियां इत्यादि का भी विनामूल्य वितरण किया जाता है।
समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल तथा लाचारी का जीवन जी रहे हजारों परिवारों को घर घंटी, सिलाई मशीन, गाय, भैंस, बकरियां मुफ्त में वितरित कर उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए। आदिवासी बंधुओं को समाज प्रवाह में लाकर उनके जीवनमान को सुधारने हेतु संस्थान द्वारा समय समय पर पौष्टिक आहार, औषधियां तथा जीवनावश्यक साहित्यों का वितरण किया जाता है। आदिवासी इलाकों के युवा बेरोजगार युवकों को मुफ्त मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाता है। आज 1000 से अधिक युवक यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का उदर निर्वाह कर रहे हैं। जगतगुरु श्री का व्यसन मुक्ति का कार्य वास्तव में सराहनीय है। केवल प्रबोधन के द्वारा जगतगुरु श्री ने लाखों को व्यसन मुक्त किया है। आज जे प्रवचन ऐकलंय माऊलींचं त्याच्यामुळे त्याच्यातून एकच उपदेश सगळ्यात मोठा मला वाटला जो माझ्या मनावर बिंबवला गेला आणि मी दारू न पिण्याचा निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे आज जे मी करतो आहे त्याचं अनुकरण माझा मुलगा उद्या करेल आणि तोही उद्या दारू प्यायला लागेल। हे जे माऊलींनी सांगितलेलं आहे याचा फार मोठा परिणाम माझ्या मनावर झाला आणि मी ठरवलंय, मी शपथ घेतली की मी आजपासून दारू पिणार नाही आयुष्यात कधीही। विगत 30 वर्षों से व्यसन मुक्ति का यह महान कार्य श्री क्षेत्र में अविरत चल रहा है। संस्थान की 42 रुग्णवाहिकाएं विभिन्न राष्ट्रीय महामार्गों पर दुर्घटनाग्रस्तों की सहायता के लिए दिन रात बिना मूल्य सेवा प्रदान कर रही हैं। ये तात्काल एवं अखंडित सेवा के कारण विगत 12 वर्षों में 19,000 से अधिक दुर्घटनाग्रस्तों के प्राणों की रक्षा की गई। जगतगुरु नरेंद्र महाराज संस्था यांच्या मार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यात वेगवेगळ्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत। सद्यस्थितीत 27 रुग्णवाहिका रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी उपलब्ध असून त्या वेगवेगळ्या महामार्गांवर राज्य जिल्ह्यातील वेगवेगळे जे आपले महामार्ग जातात त्या सर्व महामार्गांवर उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्यामार्फत मोफत सेवा दिली जाते रुग्णांना। ते दवाखान्यापर्यंत मग ते सिव्हिल हॉस्पिटल असो किंवा खाजगी दवाखाना असो तिथं विनामूल्य ते पोहोचवतात आणि ती अविरत सेवा चालू आहे। आता या येत्या गुरुपौर्णिमेला परत 10 ॲम्ब्युलन्स रुग्णवाहिकांची ती त्याच्यात नव्याने भर टाकणार आहेत आणि ह्या त्यांच्या अहोरात्र चालणाऱ्या कामाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। संस्थान की यह रुग्णवाहिकाएं दुर्घटनाग्रस्तों के लिए प्राणरक्षक देवदूत ही बनी हुई है। एड्स ग्रस्त एवं दिव्यांगों के आरोग्य की जांच करने के लिए संस्थान की ओर से पॉजिटिव सोल फाउंडेशन को विनामूल्य वैनिटी वैन लोकार्पित की गई। संस्थान का रक्तदान का पुण्य कार्य अविरत चल रहा है। जगतगुरु श्री की प्रेरणा से उनके लाखों अनुयायी समय समय पर रक्तदान करते हैं। प्रतिवर्षी जगतगुरु श्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष में बड़े पैमाने पर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की कालावधि में संपूर्ण महाराष्ट्र में लाखों बोतल रक्तदान कर इस सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण सहभाग दर्ज किया है। इसके अलावा ब्लड इन नीड उपक्रम द्वारा जरूरतमंद मरीजों को तात्काल रक्त उपलब्ध कर हजारों की संख्या में मरीजों के प्राण बचाए गए और ये कार्य आज भी चल रहा है। इस संस्थान का मरणोपरांत देहदान यह उपक्रम अत्यंत उल्लेखनीय है। अब तक 56,537 व्यक्तियों ने मरणोपरांत देहदान के लिए पंजीकरण करवाया है। पिछले 6 वर्षों में 40 व्यक्तियों के मृतदेह उनके रिश्तेदारों ने वैद्यकीय महाविद्यालयों को सौंपकर मरणोपरांत देहदान को प्रत्यक्ष चरितार्थ किया है। सभी जाति धर्म के गरीब बच्चे अंग्रेजी माध्यम से मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सके इस उद्देश्य से संस्थान ने प्लेग्रुप नर्सरी से स्नातक तक की संपूर्णतया मुफ्त शिक्षा की सुविधा निर्माण की है। यहां के विद्यार्थियों को माध्यान्ह भोजन भी संस्थान द्वारा दिया जाता है। इस शिक्षण संस्था का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उल्लेखनीय है। इसके अलावा विभिन्न शालाओं, आश्रमों
अंध, गूंगे, बहरे, उसी प्रकार एड्सग्रस्त विद्यार्थियों को हजारों संगणकों का वितरण, साथ ही गणवेश, शालेय साहित्य, उपयुक्त पुस्तकें आदि विनामूल्य दी जाती है। ज्ञान की गंगा सर्वसामान्य तक पहुंचाने का यह प्रयास स्तुत्य है। सभी हिंदू धर्मियों को प्राचीन मौलिक ब्रह्म विद्या तथा वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इस हेतु से श्री क्षेत्र नाड़ीज में वेद पाठशाला स्थापित की गई। हिंदू धर्म के सभी जाति के विद्यार्थियों को पौराहित्य की 2 वर्ष की पदवी का तक की विनामूल्य शिक्षा देकर इन विद्यार्थियों के निवास, भोजन इत्यादि सभी खर्च संस्थान द्वारा किए जाते हैं। अब तक 13 बैचेस इस वेद पाठशाला से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है और इसमें शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी आज आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हैं। इस संस्थान के प्रत्येक पीठ पर दोनों समय का महाप्रसाद विनामूल्य दिया जाता है। ये सेवा विगत 27 वर्षों से अविरत चल रही है। इसके अलावा जल संचय की दिशा में भी यह संस्थान प्रयत्नशील है। इसके लिए हजारों छोटे बांध जगह जगह बांधे गए हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। विभिन्न समारोहों के अवसरों पर पौधों का वितरण किया जाता है। परम श्रद्धेय जगतगुरु श्री संपूर्ण देश भर में प्रवचन के माध्यम से अंधश्रद्धा पर प्रहार कर करोड़ों लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रसार एवं प्रचार करने हेतु संस्थान के प्रशिक्षित प्रवचनकार भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। COVID-19 की महामारी में संस्थान के एम्बुलेंस कोविड ग्रस्तों की सहायता एवं सेवा के लिए सरकार को बिना मूल्य दी गई थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गर्ग, SP रत्नागिरी। मुझे बताया गया है कि ये सारे कार्यक्रम जो लोक भलाई के काम हैं वो जगत गुरु श्री नरेंद्र जी महाराज उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। 10 एम्बुलेंस और देने का जो उन्होंने निश्चय किया है तो बहुत ही वो काबिले तारीफ है। ऑलरेडी 27 एम्बुलेंसेस लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। HSP के साथ मिलके कई लोगों की जान भी इन एम्बुलेंसेस के कारण बचाई जा चुकी है। तो ऐसा सुनने के बाद बहुत ही अच्छी भावना मेरे मन में आ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट और ये संस्था मिलके कोई भी अच्छा काम आगे कर पाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। पिछले कुछ समय में जब कोविड था तब भी इस संस्था ने जगतगुरु नरेंद्र जी महाराज के नेतृत्व के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया था। सभी डिपार्टमेंट से मिलके उन्होंने अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लिए थे और अभी जो 10 एम्बुलेंस बढ़ाने का उन्होंने डिसीज़न लिया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक गेम चेंजर अपने ज़िले के लिए रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गेम चेंजर हो सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए मैं फिर से एक बार तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहायता निधि तथा सरकारी कार्यालयों को करीब 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक आर्थिक सहायता भी दी गई है। इसके अलावा कोरोना काल में हजारों परिवारों को अनाज तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक साहित्य विनामूल्य वितरित किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,53,35,158 रुपयों का धनादेश संस्थान की ओर से प्रदान किया गया। दीन दुखियों की सहायता करने वाला मनुष्य वही देवता तथा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ऐसा संदेश अपने सत्कार्यों तथा सद्विचारों से समस्त भक्तों को देने वाले जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज की प्रेरणा से ऐसे अनेक कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा समाज में अनेक कार्य चलते रहते हैं।
इन सभी कार्यों का उल्लेख करना यहां संभव नहीं। ये संस्थान जगतगुरु श्री के तुम जियो दूसरों को जीवन दो इस महान संदेश की सेवा करने में ही स्वयं को धन्य समझता है। श्री गुरुदेव,